Now coming to the next question, question number 9 says, explain how painting of iron gate prevents it from rusting. So, जो लोहे के गेट होते हैं उस पर पेंट किया जाता है तो वो रस्टिंग से कैसे बचते हैं वो हमें बताना है. पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट कट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम द एनवायरमेंट. अब जब आप आयरन और एनवायरमेंट के बीच में एक पेंट का कोट आ गया तो जो आयरन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एनवायरमेंट से मतलब एयर और मॉइस्चर से वो एक तरह से कवर अप हो गया, राइट. Therefore, there is no further exposure of iron to oxygen and moisture, which is the cause for rusting. So, अब उससे पेंट से क्या हुआ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है मॉइस्चर के और मॉइस्चर की वजह से ही रस्टिंग होती है. तो जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो रस्टिंग अपने आप नहीं होगी. ओके, अब ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अगर आपने पेंट करे तो कभी उस पर रस्टिंग हो जाती है, बट ज्यादा टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव कर जाता है. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट. सो नाउ दे आर आस्किंग कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा क्यों होती है और डेजर्ट्स में कम क्यों होती है. रीजन देखो, आपको बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए. कंसेप्ट ये है कि रस्टिंग होती कैसी है, मॉइस्चर से, एयर से. अब यहाँ जो कोस्टल एरिया वहां पे ज्यादा मॉइस्चर होगा एज कम्पेयर टू डेजर्ट. तो सिंपली जहां पे ज्यादा मॉइस्चर है वहां पे ज्यादा रस्टिंग होगी ऑब्जेक्ट्स की. सो लेट्स सी द आंसर. आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट रस्टेड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉइस्चर. सो कैसी होती है आयरन की जो रस्टिंग है वो कैसी होती है, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे होती है. इन कोस्टल एरिया द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज मोर बिकॉज ऑफ सी और ओशियन. अब जो कोस्टल एरिया है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है. एंड वाइल इन डेजर्ट्स द एयर इज ड्राई एंड हॉट. और डेजर्ट्स में एयर ड्राई और हॉट होती है. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.